नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका पूनम सिंह रेसिपीज में। और मैं पूनम आज आप सबको बिहार के गया जिले का मशहूर मिठाई अनरसा की रेसिपी बनाने जा रही हूँ फ्रेंड्स। तो उसके लिए हम ले लिए हैं अरवा चावल। आप अरवा चावल का ही यूज करेंगे, तो 250 ग्राम मतलब दो बोल, छोटे वाले बोल से हुआ यह चावल तो नाप कर हम ले लिए हैं। और इसको हम धो लेंगे अच्छी तरह से, पानी से पूरी अच्छी तरह से साफ करके, और इसे हमें इसका पानी निथार देना है फ्रेंड्स। इसको हम 4 से 5 घंटे तक फुलाएंगे, या आप ओवरनाइट भी इसको सोक करके रख सकते हैं। तो इसको ढक कर और हम रख देंगे ताकि अच्छी तरह से फूल जाए। तो फ्रेंड्स फूल गया है ये चावल अच्छी तरह से। अब इसका हम पानी निकाल देंगे और स्ट्रेनर की सहायता से इससे पानी निकलने के लिए रख देंगे 10 से 15 मिनट तक। जब पानी इसका निकल जाएगा तो एक हम कॉटन कपड़ा लेंगे। आप कॉटन कपड़ा लीजिए या फिर पेपर लीजिए, किसी भी चीज़ पर आप इसको फैला दीजिए 2 से 3 घंटे तक, ताकि केवल चावल का पानी सूख सके। इसे धूप में हमें नहीं फैलाना है, धूप में फैलाने से फिर ये हार्ड हो जाएगा चावल, तो आटा अच्छा नहीं बन पाएगा। तो इसे शेड में ही हमें फैला देना है, हवा में रखना है, ताकि चावल का पानी केवल सूख जाए अच्छी तरह से। तो एकदम पतला फैला दें अगर आपको जल्दीबाजी हो तो, और उसको 2 घंटे बाद आप पीस लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स सूख गया है अच्छी तरह से चावल। हम 3 से 4 घंटे तक इसको वैसे ही कपड़ा पर छोड़ दिए थे, और एक मिक्सी के जार में हम इसको पीस लेंगे। ज़्यादा मात्रा में रहता है तो आदमी आटा चक्की मिल में पिसवा लेता है, लेकिन थोड़ा सा है तो आप घर में भी इसे पीस सकते हैं। अगर आपके पास आटा हो चावल का तो उससे भी बना सकते हैं आप, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा होता है कि आप खुद से सारा प्रोसेस शुरू से करके बनाएं, तो बहुत ही स्वादिष्ट और सॉफ्ट मिठाई बनती है। तो चावल का आटा हम पीस लिए हैं, अब इसको छन्नी की सहायता से हम इसका छान लेंगे, आटा चाल लेंगे, और जिसमें गुठली और या चावल जो कुछ बचा रहेगा वो निकल जाएगा। तो देखिए कितना अच्छा बारीक हम पीस लिए हैं, बिल्कुल पाउडर नहीं करना है, हल्का दरदरा ही रखना है। तो 2 बोल हम ये चावल लिए थे, तो 1 बोल हम लेंगे चीनी, और डूबने भर ही पानी चाहिए हमें इसमें। आप जिससे भी मापें उसके हाफ चीनी आप लें, और इसको उबालें अच्छी तरह से। इसका एक तार का चाशनी हमें नहीं बनाना है, केवल चीनी चिपचिपा हो जाए बस, तो समझिए कि आपका परफेक्ट चीनी पानी का घोल तैयार है चावल का आटा मिलाने के लिए। तो देखिए हम इसको उंगली की सहायता से देख रहे हैं कि ये हो गया है कि नहीं। अब तो बस हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे चावल का आटा, और इसको लगातार हमें चलाते रहना है फ्रेंड्स, बिना स्किप किए चलाते रहिए, वीडियो स्किप नहीं करना है। आप लगातार देखिए, हम लगातार इसको चलाते जा रहे हैं जब तक कि ये जम नहीं जा रहा है। और चलाते रहने से है कि आपका लम्स या गुठली नहीं बनेगा चावल के आटा में। तो देखिए इसको हम मिला दिए अच्छी तरह से, और इसको फैला कर और ढक कर हम इसे रखेंगे जब तक ये अच्छी तरह से ठंडा नहीं हो जाए। इसे हमें 3 से 4 घंटे तक ठंडा करना है। तो ठंडा होकर ये हार्ड हो जाता है थोड़ा सा, तब उसका है कि अनरसा बहुत ही अच्छा बनता है फ्रेंड्स। तो इसको हम ढक दिए ठंडा हो जाने के लिए। इधर हम 1.5 लीटर दूध ले लिए थे फ्रेंड्स, और इसका हम बना रहे हैं मावा, घर में ही शुद्ध मावा बन जाता है। तो देखिए तैयार हो गया। इसमें हम डाले 3 हरी इलायची क्रश करके, और 1 चम्मच चीनी, ताकि अनरसा का जो अंदर का फिलिंग हो वो भी मीठा रहे। तो तैयार हो गया है मावा, खोआ, जो भी आप लोग कहते हो। इधर चावल भी देखिए स्टिकी हो गया है। अब इसे हम अच्छी तरह से मिलाएंगे, छन्नी का हम पूरा साफ कर ले रहे हैं आटा जो लगा हुआ है। और 1 सर्विंग स्पून हम इसमें रिफाइंड ऑयल डाल रहे हैं इसको सॉफ्ट गूथने के लिए फ्रेंड्स। इसे जितना मिलाइएगा उतना ही अच्छा आपका मिठाई होगा। तो देखिए मसल मसल के जैसे आटा गूथते हैं, वैसे हमें इसे चावल का डो तैयार करना है, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए मिलाते मिलाते।
तो अनरसा बिल्कुल परफेक्ट बनता है। तो देखिए इसका हम एक चिकना डो बना लिए फ्रेंड्स, और इसको ढक कर रख देंगे। इधर हम तिल ले लिए हैं, सफ़ेद तिल, सेसमे सीड्स, और ये जो मावा बनाए थे वो है। तो इसमें हम एक चम्मच डाल देंगे राइस फ्लोर, ताकि जो है मावा है वो फैले नहीं। अगर कभी मिठाई फट भी जाए अनरसा, तो राइस फ्लोर डालने से स्टफिंग जो है मावा की वो तेल में नहीं आता है, तेल गंदा नहीं होता है फ्रेंड्स। तो उसको भी डालकर हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और छोटी छोटी गोली बना लेंगे, ताकि हमें फिलिंग डालने में आसानी हो। तो देखिए गोली भी तैयार हो गया है। इधर हम ले लिए हैं उजला तिल, और जैसे लिट्टी हम गूंथते हैं ना, भरते हैं ना फ्रेंड्स, वैसे ही हमें इसका गोली तैयार करना है, और कटोरी का जैसा शेप देकर, और इसी में हम डाल देंगे मावा का एक एक गोली। ज़्यादा भरावन नहीं इसमें भरिएगा आप लोग मावा का, नहीं तो फट जाता है, फूलने लगता है। तो बिल्कुल परफेक्ट गोली हम बनाए हैं, और इसे ही दबा दबा कर उंगली की सहायता से उलट पुलट कर हम अच्छी तरह से तिल को चिपका लेंगे फ्रेंड्स। वैसे ही एक एक करके हम एक बैच तलने भर बना लेते हैं। अगर आपको लगे कि तिल छूटेगा तेल में डूबने पर, तो आप इसको पानी में डिप करके भी और इसमें तिल सटा सकते हैं। ज़्यादा देर पानी में डिप नहीं करना है, बस ऊपर कोट आ जाए पानी का। तो वैसे देखिए हम पूरा बना लिए अनरसा, भर लिए उसको, और तेल भी इधर गर्म हो चुका है। थोड़ा सा हम डो डाल कर देखें, अच्छा फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब परफेक्ट तैयार है। तेल गर्म करके आप मीडियम फ्लेम पर रखिए, हाई पर नहीं। हाई पर रखने से फिर अनरसा जल जाएगा फ्रेंड्स। तो एक एक करके हम सारा इसमें डालेंगे, 6 से 7 एक बार में ही डालें बैच, और डूब कर इसे फ्राई होने दें। डूब कर फ्राई होने से चारों तरफ से एक समान फ्राई हो जाता है फ्रेंड्स। देखिए कितना अच्छा कलर ले लिया है अनरसा का। थोड़ा बहुत तो तिल आप लोगों को दिख रहा होगा, फ्लोट कर रहा है, वो तो जाएगा ही जाएगा। तो वो तिल का भी हम यूज कर लेंगे। आपका ग्रेवी अगर पतला हो फ्रेंड्स, सब्जी वगैरह बना रहे हो तो ग्रेवी पतला हो जाए, तो आप ये तिल को पीस कर मसाला के साथ डाल सकते हैं। देखिए हम पानी में भी डिप करके और इसमें तेल लगा ये तिल लगाकर आप लोग को दिखा दिए कि ऐसे भी किए थे हम। तो ये बैच तैयार हो गया है फ्रेंड्स। ऐसे एक एक कर हम तेल निकाल लेंगे और अनरसा सब निकाल लेंगे। तो देखिए कितना अच्छा जब क्रिस्प हो जाता है, अनरसा तैयार हो जाता है, तो वो क्रैक हो जाता है। इसका यही पहचान है कि अनरसा बिल्कुल फ्राई हो चला है। तो देखिए कितना अच्छा क्रैक हो आ गया है इसमें, और ऐसे हमारा एक बैच तैयार हो गया अनरसा का। आप लोग कैसे बनाते हैं कमेंट करके बताइएगा, और कहां कहां से देख रहे हैं ये भी कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। तो ऐसे ही हम दूसरा बैच भी निकाल लिए फ्रेंड्स। तो तैयार हो गया है ये अनरसा। रेसिपी आप लोग को कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है फ्रेंड्स, और पूरी वीडियो देखिएगा। टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ हम बताए हैं अनरसा। तो तैयार है, क्रिस्पी, क्रंची, सॉफ्ट अंदर से अनरसा। तो फिर मिलेंगे हम एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।